हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। और इस वीडियो के साथ ही ठंड की मौसम आ गई है और थोड़ा सा ठंड भी कम हो चुका है। और ये सोच रही हूँ कि भाई वीडियोज़ इतने लेट, तो हाँ वीडियो बहुत लेट आए क्योंकि मुझे ये वीडियो मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला है। मैं भैया के पास था, मैं कैसे कैसे इसको ढूंढ के देन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके साथ डेकोरेशन का मैंने पहले वाली वीडियो में कुछ टाइम पहले जो मैं वीडियो डाली थी उसमें आप सभी के साथ शेयर की हुई थी। लेकिन ये वीडियो फुल जितने भी डेकोरेशन कर रखा था, जितने भी घर जयमाल का जितने भी सब कुछ डेकोरेशन कर रखे थे, जितने साथ ही खाने पीने का डेकोरेशन था, मतलब किस तरह से खाना कहाँ कहाँ वो सब कुछ था इसमें। और साथ में अंदर में बज रहे हैं DJ और बाहर में बज रहे हैं शहनाई, तो हम आपको बाहर भी ले चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको डेकोरेशन दिखा देते हैं। तो ये रहा शादी का डेकोरेशन। और हाँ, ये रहा, मैं आपको बता देती हूँ, ये नोएडा में आनंदी बैंक्वेट हॉल है। हाँ, आनंदी ही था। तो वहाँ का हर चीज़ एकदम परफेक्ट था, जो बेहतर तरीके से होता है एकदम प्रोफेशनल टाइप में। तो हर चीज़ परफेक्ट था अपनी जगह पे। तो यहाँ पर बज रहा है शहनाई और अंदर में DJ चल रहा था, गाना वगैरह जो भी चल रहा है तो चल रहा था। सो इट्स, आप सब इन्जॉय कीजिए और मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ बताऊँगी। तो ये है बाहर के कुछ व्यू और साथ में ही किस तरह से डेकोरेट किया गया हुआ ये। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे फैमिली जीजू और साथ में मेरे भैया, और ये मेरा प्यारा सा आनंद है। और साथ में यहाँ पे बैठी है मेरी छोटी वाली मामी और साथ में मौसी लोग हैं तीनों। और साथ ही ये है मंडप सजाया हुआ, शादी का मंडप। और साथ में उधर खाने का व्यवस्था था, तो लोग खा रहे हैं यहाँ पे, बच्चे से बहुत बदमाशी कर रहे थे यहाँ पे। सो आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे। और कुछ तो इसमें इंटरेस्टिंग है नहीं, लेकिन जो भी है प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट कर दो। तो ये सबसे ना इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब हम जीजू को ना यहाँ पे पता नहीं पंडित जी जो भी रस्म बताया था वो मैंने किया हुआ था। तो यहाँ पे जीजू को मिठाई खिलाना था और वो कलश में पानी डाला हुआ था, वो ऐसे ऐसे करके छिड़कना था, मतलब छिड़कना था उनके ऊपर हल्के से आम के पल्लों से, तो वो किया। और साथ में मिठाई जीजू को ये मेरी छोटी बहन खिला रही है, मौसी की लड़की है और वो मेरी छोटी बहन है। और ये जीजू है और ये शायद भतीजी लगती है, ऐसे ही शायद कुछ रिलेटिव ही थी। तो यहाँ मेरे जीजू पैसा दे रहा, देखना मेरा नखड़े देखना जरा, मैंने क्या नखड़ा किया हुआ था। और हाँ जीजू ये देख लो, ये प्रूफ है, मैं प्रूफ बनाई हुई थी, आपने झूठ बोला था मैं इतना रुपया दिया हुआ, देखो आपने क्या किया हुआ था। मैं यहाँ तो एकदम अड़ गई कि मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना, और मैं बिल्कुल नहीं सुन रही थी इनका। और ये सब तो अब इंजॉय कीजिए, ज़्यादा टाइम आपका ना लेंगे, आप बस इंजॉय कीजिए। तो जीजू अब लीजिए, हम आपकी होने वाली वाइफ को लेके आ गए हैं आपके सामने। और हाँ, मेरे पास ये वीडियो नहीं था, ये वीडियो मैंने टेलीविज़न से जो शूट फ़ोन में किया हुआ था वो रखी हुई हूँ। ओरिजिनल वीडियो मेरे पास नहीं था, मेरे लैपटॉप ख़राब होने की वजह से मैं नहीं ले पाई, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मिस हो गया। सो डोंट माइंड, आप सब इसी में मैनेज कर लोगे। सो यार प्लीज़ मैनेज कर लेना और लाइक भी कर देना।
तो ये है मेरी प्यारी सी बहना, है ना, खूबसूरत लग रही है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है। बहुत सी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरे नज़र ना लगे किसी की बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। भाई यहाँ तो लोचा ही हो गया, लोचा ये बात हो गया ना कि गाना बजाना था कुछ और, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और पहले से मतलब साउंड ये जो डीजे वाला था उसको पहले बोल दिया गया था, फिर भी पता नहीं क्या क्या बजा रखा था यार, कुछ भी समझ में नहीं आया, बस ऐसे ही डांस हो गया तो हो गया। तो ये रहा डांस, एंट्री कर रही भाई, बहुत गंदा एंट्री कराया हम लोगों ने, सचमुच बिगाड़ दिया वीडियो को। तो यहाँ पे हमने करवा दी दुल्हन की एंट्री और साथ में बस मेरे पास थी कुछ फोटोज, तो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ और जल्द ही लेके आऊँगी। और कुछ फ़ोटोज़ मेरे दिल के करीब थे और वाओ मेरी बहन, ओह माय गॉड ऑसम, नज़र ना आए किसी की, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम मैंने दे दिया हुआ है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।